में व्यापक स्तर पर बिजली चेकिंग अभियान की शुरुआत की गई है, जहां योगी सरकार के आदेश पर नगर के जामा मस्जिद सहित विभिन्न मोहल्लों में बिजली विभाग ने विभाग के जेई चमन प्रकाश के नेतृत्व में लगातार चेकिंग कर रही है, जहां लगातार देखा जा रहा है कि लोग बिजली संकट से परेशान हो चुके हैं। आए दिन बिजली कटौती की जाने से लोगों का जीवन संकट में आ गया है। अब इन्हीं परेशानियों के मद्देनजर सरकार ने उत्तर प्रदेश में फैले बिजली संकट को दूर करने के लिए बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। सरकार हर तरफ से सख्त होती नजर आ रही है। हाँ सर, आज जो चेकिंग हो रही है क्या है? हाँ, ये आज का अभियान है हमारा। एक्चुअली में जो हाई लॉस फीडर्स हैं, जिन पे विद्युत चोरी ज़्यादा हो रही है, उनका हमारा प्रोग्राम है ऊपर से ही, और ये पीएससी फोर्स हमारे साथ है, और इसमें जहाँ भी कोई बड़ी विद्युत चोरी है उसमें हम पूरा चेकिंग करेंगे। हमारा आज ये 8 बजे से लेकर 4 बजे तक का अभियान है। अभी कितना फॉल्ट आपको मिला है? अभी करीब हमें मिल गए हैं 7-8 मिल गए हैं डायरेक्ट विद्युत चोरी। तो क्या कार्रवाई आप उनके खिलाफ करेंगे? बिल्कुल FIR होगी। आपको बता दें कि योगी सरकार के निर्देश पर शासन ने पीएससी के साथ चेकिंग अभियान का निर्देश जारी किया था, जिसके क्रम में आज सुबह से बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पीएससी के जवानों के साथ चेकिंग को उतर आए हैं और जगह जगह पर बिजली चेकिंग की जा रही है। पीएससी के जवानों के साथ हो रही चेकिंग की वजह से लगातार खलबली मची है, जहां शासन के निर्देशों के अनुपालन में माना जा रहा है कि अमरोहा में बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ डेस्क अमरोहा टीवी।